हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन से देखते हैं। क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पे क्या दिया है, साइन 70 डिग्री प्लस का कॉस 40 डिग्री, बाई में यहाँ पर है आपका कॉस 70 डिग्री प्लस का साइन 40 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, या तो ऊपर दोनों साइन में या तो दोनों कॉस में होना चाहिए, नीचे भी वही करना होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर साइन 70 डिग्री और प्लस में कॉस 40 को क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइन 90 माइनस का 40 डिग्री। ठीक है, नीचे देखिए ये कॉस 70 को ऐसे ही छोड़ देते हैं और प्लस में इसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कॉस में, तो कॉस 90 माइनस का 40 डिग्री। चलिए तो ऊपर आपका फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 70 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 50 डिग्री। अच्छा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, कॉस 70 डिग्री और प्लस का यहाँ पर कॉस 50 डिग्री। तो ऊपर भी ऊपर फॉर्मूला कहते हैं साइन सी प्लस साइन डी का, और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, साइन सी प्लस साइन डी के लिए होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अच्छा, नीचे आपका कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो चलिए दोनों को लगाते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन 70 प्लस का 50 बाई में 2 कॉस 70 माइनस का 50 बाई 2, और नीचे आपका हो जाएगा 2 कॉस 70 प्लस का 50 बाई 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस कॉस 70 माइनस 50 बाई। तो ये दोनों टर्म सेम है, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 120 बाई 2 यानी कि साइन 60 हो जाएगा, और नीचे आपका कॉस 60 हो जाएगा, यानी ये मिलके ये टेन 60 हो जाएगा, और टेन 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3 होता है। तो ऑप्शन में देखिए √3, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी यहाँ √3 भर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ टेन ए प्लस बी इक्वल टू पी एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्यू, देन द वैल्यू ऑफ टेन 2a इन द टर्म ऑफ पी एंड क्यू। हमें टेन 2a का वैल्यू निकालना है पी एन क्यू के फॉर्म में, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे लिख देते हैं टेन ए प्लस बी और फिर यहाँ पर प्लस में a माइनस बी। 2a को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे देखो b से b कट जाएगा, 2a फिर से आ जाएगा। अब यहाँ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा टेन ए प्लस बी फिर प्लस में टेन ए माइनस बी बाई में 1 माइनस टेन ए प्लस बी इंटू में टेन ए माइनस बी। तो अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख देते हैं, तो टेन ए प्लस बी का वैल्यू पी है और टेन ए माइनस बी का वैल्यू क्यू है, और नीचे भी उसी तरह से रख देंगे, यानी कि यहाँ पे भर देंगे पी प्लस क्यू बाई में 1 माइनस का पी क्यू। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि 1 प्लस कॉस 2x प्लस का कॉस 4x प्लस का कॉस 6x इक्वल टू में के कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x, देन के का वैल्यू क्या होगा। तो एक काम करते हैं, 1 प्लस कॉस 2x के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस इन दोनों के लिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए। ठीक है, अगले स्टेप में लगाया जाएगा, इधर है के कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। चलिए आगे देखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस 6x प्लस 4x बाई 2 कॉस 6x माइनस का 4x बाई 2, यही होता है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। और इधर है आपका k कॉस x कॉस 2x कॉस 3x। चलिए अब देखिए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x बाई 2 यानी 5x हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस 2x बाई 2 यानी कि कॉस x हो जाएगा, और इक्वल टू में k कॉस x कॉस 2x कॉस 3x। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग 2 कॉस x को कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर कॉस x बच जाएगा और यहाँ पर कॉस 5x बच जाएगा। फिर से यहाँ फॉर्मूले को हम लोग रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ भी कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्म लगाते हैं, तो 2 कॉस एक्स ऐसे रहने देते हैं इंटू 2, इसको कॉस सी इसको कॉस डी करते हैं, तो 2 कॉस 5x प्लस एक्स बाई 2 और फिर कॉस 5x माइनस का एक्स बाई 2 इक्वल टू में के कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर
देखते हैं इसके बाद क्या होगा। तो देखो 2 2 जाए 4 cos x, अच्छा यहाँ पर देखिए ना इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x/2 यानी कि cos 2x हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे 6x/2 यानी कि cos 3x हो जाएगा और इक्वल टू में k cos x cos 2x cos 3x, तो इन सबको डिवाइड में भेजेंगे तो ये पूरा पूरा यहाँ कट जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा k का वैल्यू। तो यहाँ पे जो भरेंगे क्या भर देंगे 4, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस, हमें क्या निकालना है, साइन 50 डिग्री माइनस का साइन 70 डिग्री प्लस का साइन 10 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में था ये क्वेश्चन, साइन सी माइनस साइन डी का यहाँ फॉर्मूला लगाओ तो होता है 2 cos c प्लस डी बाई में 2 और साइन c माइनस डी बाई में 2 और प्लस का यहाँ साइन 10 डिग्री है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 cos यहाँ 120/2 यानी कि आ जाएगा 60 और यहाँ पे साइन -20/2 यानी कि माइनस का 10 डिग्री और फिर प्लस में साइन 10 डिग्री। चलिए देखिए 2 इंटू इसका 1/2 cos 60 का और इंटू में माइनस का साइन 10 डिग्री और प्लस में साइन 10 डिग्री, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का साइन 10 डिग्री प्लस का साइन 10 डिग्री 0 आ गया, इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस, हमें क्या निकालना है इसका वैल्यू, 2 cos 5/13 cos 9π/13 प्लस का cos 3π/13 प्लस में cos 5π/13, हमें इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 cos a cos b का, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो cos a प्लस बी और प्लस में cos a माइनस बी का। तो इसके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको हम लोग अगर a ले लें 9π/13 को और π/13 को b ले लें तो इस फॉर्मूले पे सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 9π/13 और प्लस का π/13 और फिर प्लस cos 9π/13 माइनस का π/13 और प्लस का cos 3π/13 और प्लस का cos 5π/13, ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos कितना आ जाएगा 10π/13 और प्लस में cos यहाँ पर कितना आ जाएगा 8π/13 और फिर प्लस में cos 3π/13 और यहाँ पर cos 5π/13। एक काम करते हैं इसमें, यहाँ पर लिखते हैं इसे cos पाई माइनस का, इसको कर सकते हैं 3π/13, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 10π/13 आ जाएगा और इसे हम लोग 8π/13 को यहाँ पर कर देते हैं पाई माइनस का 5π/13, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8π/13 और प्लस में cos 3π/13 और प्लस में cos 5π/13। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि cos पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस का cos थीटा हो जाता है, यानी यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का cos 3π/13 माइनस का cos 5π/13 प्लस का cos 3π/13 और प्लस का cos 5π/13। तो देखिए ये सभी कट जाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा इसका आंसर, यानी देखिए इसका यहाँ भर देंगे 0। तो यही आपके क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, पांच ही क्वेश्चन दिए थे, मैंने पांचों क्वेश्चन बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रवि कांत सर और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कॉमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।